हाय फ्रेंड्स, मु तपन आपण मन को स्वागत करुच्ची ओडिशा स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल को। तो आज हम डिस्कशन करिबा ओएमसी एग्जाम पई मॉक टेस्ट 2। तो एथरे टोटल 40 क्वेश्चन रहिछ, जीके रे 10, इंग्लिश 10, रीजनिंग 10 आउ मैथ रे 10 टी। आपण मन को पूरा परीक्षा देला बोले लागिवो, तो समस्त टेस्ट दियंतु। आ वीडियो सरिया पर आपण मने कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणैबे ए 40 क्वेश्चन रु आपण मन को केतुटी ठीक है जी। तो लेट करिबे ना, चलंतु क्लास स्टार्ट करिबा। तो जो माने जानि छंती वीडियो को गुटे मिनट स्किप करके पळे जानतु। तो देखंतु हमरो पेड स्टडी मटेरियल रहिछि, जो माने परचेज करिया पई चाहौ छंती परचेज करि परिबे। तो एथिरे अपन मन को ओडिसा जीके रे 400 रु अधिक सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलिबो, साइंस रो 800 टी, कंप्यूटर रे 100 टी, जीके रे 500 टी। या सहित लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर मिल जीवो, जुलाई पाखरो डिसेंबर पर्यंत। तो ये सब आपण मानको पीडीएफ फॉर्मेट रे मिल जीवो। तो प्राइस रही मात्र 49 टंका। तो ये जो नंबर टी रही, ए नंबर आपण माने फोन पे नहले गूगल पे माध्यम रे पेमेंट करि देबे नेमासो तपन कुमार बेहरा। पेमेंट करि सरे पर तार स्क्रीनशॉट आपण माने ए नंबर व्हाट्सएप रही पठाई देबे। स्क्रीनशॉट पठाई सरे पर म आपण मानको पीडीएफ गुडी को सेंड करि देबे। देखंतु आपण माने कॉपी ऑफ पेन नेकी बसंतु, एमिति लिखि दियंतु 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 40 पर्यंत। ठीक अछि, तो जोंटा ठीक होबा आपण माने ठीक मारिबे, जोंटा भूल होबा भूल मारिबे। ओके, लास्ट रे आपण माने काउंट करि परिबे आपण मानकर केतुटी ठीक हैला। तो प्रथमे जो क्वेश्चन गुडी को रहिछि, जीके रे 10 क्वेश्चन रहिछि। ठीक अछि, 1 नंबर कोन रहिछि, हु वाज द वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन द ब्रिटिश इंडियन कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। तो क्वेश्चन ला कोन पचारी छी, ना जते बेले ब्रिटिश इंडिया रो कैपिटल कोलकाता रो दिल्ली को शिफ्ट हेतिला सते बेले इंडिया रो वायसराय किए थिले। तो राइट आंसर टी कोन हे जीवो, लॉर्ड हार्डिंग। तो केते मसिया रे कैपिटल कोलकाता रो दिल्ली को शिफ्ट हेतिला, 1911। डेट मध्ये इंपोर्टेंट रही छी, आपण मन टी नोट करनियो। ठीक अछि, तो जते बेले ब्रिटिश इंडिया रो कैपिटल कोलकाता रु दिल्ली को शिफ्ट हेतिला सते बेले इंडिया रो वायसराय थिले लॉर्ड हार्डिंग। केते मसिया रे शिफ्ट हेतिला जदि पचारे 1911 होई जीव। ठीक अछि, तापर 2 नंबर कोन रही छी, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। इंडिया रे सिविल सर्विसेज रो फादर का कुआ जाय, तो राइट आंसर कोन हे जीव, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को इंडिया रे सिविल सर्विस रो फादर को आ जाए। ठीक अछि, तापर 3 नंबर कोन रही छी, द बिगेस्ट रिजर्व्स ऑफ थोरियम आर इन डेस। थोरियम रो बिगेस्ट रिजर्व कोन ठा रही छी, आंसर इज इंडिया। ओके, तो इंडिया रे थोरियम रो बिगेस्ट रिजर्व रही छी। तापर जीवा नेक्स्ट, 4 नंबर कोन रही छी, व्हिच कंट्री डज रोजर फेडरर रिप्रेजेंट इन लॉन टेनिस कंपटीशंस। तो क्वेश्चन कौन पचारी छी, ना रोजर फेडरर कौन देशरु लॉन टेनिस कंपटीशन पई रिप्रेजेंट हे छंती। एटा करंट अफेयर ऊपर क्वेश्चन रही छी, आंसर कोन हे जीव, स्विट्जरलैंड। ओके, रोजर फेडरर स्विट्जरलैंड रु लॉन टेनिस कंपटीशन पई रिप्रेजेंट हे छंती। तो ठीक है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कशन करिबा, काहे कि ना बहुत क्वेश्चन सॉल्व करिया पे पड़िबो। तब रही छी, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट टू ईट। तो हमें जो लूनो खाई थौ कॉमन सॉल्ट, तार केमिकल नेम पचारी छी। इजी क्वेश्चन रही छी, समस्त प्राय आंसर जानिथिबे। कोन जीव आंसर, सोडियम क्लोराइड हे जीवो, तार फार्मूला होची NaCl, NaCl। ओके, तो कॉमन सॉल्ट रो केमिकल नेम होची सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला पचार ले जो NaCl। तापरे व्हिच द करंट मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एवं इंडस्ट्री रे वर्तमान मिनिस्टर किए अछंती, किए अछंती पीयूष गोयल। कॉमर्स एवं इंडस्ट्री रे वर्तमान मिनिस्टर किए अछंती, पीयूष गोयल। तापरे 7 नंबर कोन रही छी, भितरकनिका नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा रे कौन डिस्ट्रिक्ट रे भितरकनिका नेशनल पार्क रही छी,
कौट रही केन्द्रापड़ा ठीक अच्छे भितरकनिका नेशनल पार्क रही केन्द्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट जीवा नेक्स्ट आठ नंबर कौन रही सत्यवादी स्कूल इन पुरी ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट वाज एस्टाब्लिश्ड बाय स्वदेशी मूवमेंट समय रे जो पुरी ठारे सत्यवादी स्कूल एस्टाब्लिश होता सेटा क्या द्वारा होता पचार द्वारा होता एनसर जो गोपबंधु दास तो स्वदेशी मूवमेंट समय रे पुरी रे जो सत्यवादी स्कूल प्रतिष्ठा होता से गोपबंधु दास द्वारा होता ओके नौ नंबर कौन रही क्विज फेमसली नोन एज उत्कल गौरव इन उड़ीसा उड़ीसा रे उत्कल गौरव क्या कह जाए समस्त जानते इजी क्वेश्चन रही आंसर कौन जीव मधुसूदन दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास ठीक अच्छे तापरे दस नंबर कौन रही सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन सतीश धवन स्पेस सेंटर कौटी रही आंसर कौन जीव आंध्र प्रदेश रो श्रीहरिकोटा ठारे रही श्रीहरिकोटा ओके सतीश धवन स्पेस सेंटर रही आंध्र प्रदेश रो श्रीहरिकोटा ठारे तो जिके रे दस टी क्वेश्चन कम्प्लीट हो गला तापर जीवा इंग्लीश पाख तो एबे इंग्लीश रे दस टी क्वेश्चन आसीबो ठीक अच्छे इंग्लीश पर आसीबो रीजनिंग तापर आसीबो मैथ तो एगार नंबर कौन रही दिस इज द मंथ ऑफ जून द लास्ट मंथ डैश मे तो ये कौन बस इज विल बी वाज वियर दिस इज द मंथ ऑफ जून एटा हूँ जून मास द लास्ट मंथ डैश मे लास्ट मास मे थी लास्ट मंथ कथा कही ठीक अच्छे लास्ट मंथ कही मैंने पास्ट को डिनोट कर लास्ट मंथ देखिक जानने यहाँ पास्ट रे अच्छे इज प्रेजेन्ट पर बस कटिगला विल बी फ्यूचर पर कटिगला बाकी रहा वाज वियर कौनटा बस द लास्ट मंथ डैश मे अच्छा गोटे मस कथ कही तो आम सिंगुलर भार बसई की जा वाज वेयर तो प्लूराल भार बस ना कहीं गोटे मस कथ कही मे मस ओके तो सिंगुलर भार वाज बस जो मैंने एगार नंबर सी वाज मारी से ठीक अच्छे तापर जीवा नेक्स्ट बार नंबर कौन रही नन अफ द स्टूडेंट्स डैश एरइवड इट तो यहाँ सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट रोश्चन ये कौन बस इज आर हेज आउ हेव रही तो देखु ये द स्टूडेंट्स देखिए भावुंत कि आपटा प्लूराल सब्जेक्ट रही प्लूराल भार बसई पलैबे टोटाली भूल सेन्टेन्स स्टार्ट नन अफ टू नन अफ रु जदि सेन्टेन्स स्टार्ट हुए तो आग को नाउन प्लूराल था कि सिंगुलर था कि फरक पड़े ये सिंगुलर भार बस कथा बस मैंने थे सेन्टेन्स मीनिंग बुझु नन अफ द स्टूडेंट्स डैश एरइवड इट मैंने कहीं भी स्टूडेंट एत पर्यटन आसी ना ठीक अच्छे कहीं भी आसी ना तो ये नन अफ्रु स्टार्ट मैंने सिंगुलर भार बस एरइवड अच्छी पास्ट रही तो इज तो काटिद आर भी काटिद कहीं दुटा प्रेजेन्ट पर बसे हेज बस ना हेब बस कहली सिंगुलर भार बस सिंगुलर भार हूँ हेज हेब प्लूराल कटिगला द स्टूडेंट्स देखिक ये प्लूराल भार बसई देवे ना कहीं सेन्टेन्स नन अफ्रु स्टार्ट नन अफ हो सम अफ हो ठीक अच्छे तो नन अफ सम अफ्रु सेन्टेन्स स्टार्ट आग को नाउन प्लूराल था कि सिंगुलर था कि फरक पड़े सिंगुलर भार सब बसई जी ठीक अच्छे तो बार नंबर सी हो राइट आंसर हेज तापर राम एजुएल एज हिज फ्रेंड्स डेस्ट टू प्ले फुटबॉल तो यहाँ से सब्जेक्ट भार एग्रीमेंट क्वेश्चन रही है बढ़िया कनसेप्ट क्वेश्चन देखु ये हिज फ्रेंड्स देखिए भावुवे ये प्लूराल नाउन रही है प्लूराल भार बसई पलैबे टोटाली भूल एजुएल एज्र कनसेप्ट अलग सेन्टेन्स एजुएल एज रही एजुएल एज रही सब बेले ये हूँ सब्जेक्ट वन ये हूँ सब्जेक्ट टू ठीक अच्छे तो एजुएल एज रही मैंने सब बेले सब्जेक्ट वन अनुसार ये बाहर बस तो सब्जेक्ट ये अच्छे राम राम सिंगुलर रही तो सिंगुलर बाहर बस ठीक अच्छे सिंगुलर बाहर बस टू प्ले फुटबॉल तो लाइकली किसी आवश्यक ना लाइकिंग ना लाइक हूँ प्लूराल लाइक्स हूँ सिंगुलर तो आपने भावुवे ये भार्व एस लगी प्लूराल भार टोटाली भूल जदि सब्जेक्ट रे एस कि इस लगे सेटा प्लूराल हो जाए किंतु भार्व्रे जदि एस कि इस लगे सेटा सिंगुलर हो जाए ये लिखि ठीक अच्छे तो ये भार्व्रे एस लगी मैंने सिंगुलर हे ये कहली तो ये एजुएल एज देखीदे मैंने जना पड़गला
फास्ट सब्जेक्ट अनुसार भार बस राम सिंगुलर अच्छी तो ये सिंगुलर भार लाइक सो ओके जीवा नेक्स्ट चौदह नंबर कौन रही द कमिटी हेज एग्रीड डेस आवर रिक्वेस्ट अच्छा प्रीपोजिशन क्वेश्चन रही एग्री सहित तो सब वाले फिक्स प्रीपोजिशन टू बसे तो ये पूरा घुसी दिंतु ठीक अच्छे आगे भाविया ही दरकार नहीं एग्री सहित तो फिक्स प्रीपोजिशन टू ही आसे चौदह नंबर ए हो राइट आंसर तापर फुटबॉल इज डेस मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड अच्छा ये कौन बस ये आर्टिकल क्वेश्चन रही ये मोस्ट अच्छे मानते सुपरलेटिव डिग्री अच्छी तो सुपरलेटिव डिग्री पूर्व सब वाले डेफिनेट आर्टिकल दी बसे दी हूँ डेफिनेट आर्टिकल ठीक अच्छे सुपरलेटिव आसीगला मैंने पूर्व सब वाले डेफिनेट आर्टिकल दी बसवा कथा बस ओके तो ये ऑप्शन नंबर सी हम राइट आंसर ए एन हूँ इनडेफिनेट आर्टिकल दीटा डेफिनेट आर्टिकल ठीक अच्छे पंद्रह नंबर सी हो राइट आंसर तापर जी नेक्स्ट तापर षोह नंबर कौन रही फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो कौन वर्ड ये ठीक अच्छे पचार कौटा हो राइट आंसर सेंट्रीफ्यूज सेंट्रीफ्यूज यहाँ ठीक अच्छे सेंटी तापर आर कहीं आर ना सेंट्रीफ्यूज एस नुए जी हवा कथा टी आर आई हवा कथा इ अच्छे तो सेंट्रीफ्यूज हूँ यहाँ राइट आंसर सी एन टी आर आई एफ यू जी ठीक अच्छे षोह नंबर डी हो राइट आंसर तापर सतर नंबर चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस अच्छा पैसिव वॉइस क्वेश्चन रही ठीक अच्छे सॉल्व करवा देखो पैसिव वॉइस रे कौन हुए ना सब्जेक्ट भार ऑब्जेक्ट सब्जेक्टा जीव ऑब्जेक्ट जगह को ऑब्जेक्ट आसीबो सब्जेक्ट जगह को ठीक अच्छे ऑब्जेक्ट आसीबो सब्जेक्ट जगह को एठी ऑब्जेक्ट लिखि दउछु ओके ये भार रो टेंस चेंज हो तो द बॉय जो सब्जेक्ट वी आर प्लेइंग हो वर्ब क्रिकेट हूँ ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट फास्ट आसो मैंने क्रिकेट स्टार्ट हो क्रिकेट रु क्रिकेट 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 सब रही टेन्स चेंज हम ये कौन टेन्स रही वी आर प्लेइंग कौन थे रही पास्ट प्रोग्रेसिव रही पास्ट प्रोग्रेसिव रही पास्ट प्रोग्रेसिव जदि एक्टिव रुए पैसिव कले कौन हम ना वाज वी आर सहित बीइंग टे बस बीइंग तापर भारत थर्ड फॉर्म बस ठीक अच्छे तो वाज वी आर बस ये क्रिकेट सिंगुलर अच्छी तो वाज तो दुईटार बस ठीक अच्छे हेड हेज आवश्यक नहीं कटिगला यहाँ हम ना यहाँ हम ठीक अच्छे तापर बीइंग टे बस वाज वी आर पर कहना बीइंग बस ये बीइंग बस बीइंग ना आउ चेक करा दरकार नहीं यहाँ राइट आंसर हम ठीक अच्छे देखो प्लेड भी थ्री बस बै द बॉयज ता बॉयज ये सब्जेक्ट थी ऑब्जेक्ट ठीक अच्छे प्रेजेंट पास्ट रो प्रोग्रेसिव रही टेन्स चेंज कले वाज और वी आर आसो सहित बीइंग टी आसो आउ भित्री बस बीइंग टी खोजे ठीक अच्छे तो बीइंग केवल गोटे ऑप्शन रही है चेक करा दरकार नहीं ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर ठीक अच्छे तापर सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम इन भगु तो यार मीनिंग कौन पचारमी क्वेश्चन एग्जाम आसो आंसर कौन हो टू बी इन ट्रेंड और फैशन इन भगु माने टू बी ट्रेंड और फैशन ठीक अच्छे तो समस्त प्राय अठर टी क्वेश्चन रु मिनिमम तो पंद्रह प्लस ठीक है चल थी ठीक अच्छे तापर उन्नीस नंबर सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड तो कौन वर्ड टी भूल अच्छे पचारा भूल अच्छे उन्नीस नंबर कौनटा हो मायोपिया तो ठीक अच्छे मायोपिया ठीक अच्छे डायरिया भी ठीक अच्छे रेपच्योर भी ठीक अच्छे बाकी बेरेज भूल अच्छे राइट आंसर यहाँ हम तो बेरेज स्पेलिंग कौन हम ना बी ए आर आर ए जी ई बी ए आर आर ए जी ई ओके बी ए आर ए डबल आर छाड़ी गोटे आर छाड़ी और डबल जी हबन ठीक अच्छे तो यहाँ भूल अच्छे बेरेज उन्नीस नंबर डी हो राइट आंसर तापर जी नेक्स्ट कोड़े नंबर चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स अच्छा स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडीज को कौन कह जाए स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडीज को कौन कह जाए कोड़े नंबर आंसर कौन हो एस्ट्रोनॉमी ठीक अच्छे
स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडीज को एस्ट्रोनॉमी कहा जाए। तो देखु जियोग्राफी क्वेश्चन इंग्लीश रे पचारूँ तो ये इंग्लीश कम्प्लीट होगा रिजनिंग रे 10 क्वेश्चन आसो ठीक अच्छे। तो एक नंबर कौन रही ना 19 रिलेसन जमी 380 सहित रही सेमती 37 रिलेसन का सहित रही ठीक अच्छे। तो जिते बड़े रिजनिंग क्वेश्चन सल्व करेंगे सब ट्राए करेंगे कौन कनसेप्ट रही भाविया ठीक अच्छे। तो ये कौन लॉजिक रही देखु 19 स्क्वायर रे 19 को ऐड करा जाए 19 स्क्वायर केते 19 स्क्वायर होची 361 साथीरे 19 मिसले केते होबो कि 9 के 10 रो शून्य हाथ रखले 1 6 के 7 के 8 380 देखंतु 380 हेची। तो आमे सेम लॉजिक एथरे लगेबा 37 स्क्वायर रे 37 को मिसेबा 37 स्क्वायर केते बाहर कर देबा 339 750 300 केते 21 दुनिया 42 बास मिसाई दवा 9 4 2 6 9 4 13 1369 37 मिसेबा ना 37 मिसले कते हबो 9 6 15 के 16 हाथ रखले 1 ठीक अच्छे। 9 3 9 10 शून्य हाथ रखले 1 3 1 4 1 1406 हबो ऑप्शन नंबर डी रे रही। तो ये कौन लॉजिक रही ना 19 स्क्वायर रे 19 एड कर जाइछि आमे कौन कले 37 स्क्वायर रे 37 मिसाई देले ठीक अच्छे। एक नंबर डी हो राइट आंसर। तापर 22 नंबर अमित रिलेशन जमी ई आई एम पी सहित रही सेमी राम रिलेशन क्या सहित रही ठीक अच्छे। तो देखो एथेर कौन लॉजिक रही ए रु ई कौन है चार बढ़ी एम रु आई हो कौन है आई जे के एल एम माइनस चार तापर आई रु एम हो प्लस चार हो रु पी हो कौन है माइनस चार। तो ए कौन लॉजिक रही ना प्रथम प्लस चार तापर माइनस चार तापर प्लस चार तापर माइनस चार तो सेम कनसेप्ट आम ए पकेबा प्रथम चार मिसेबा आर चार मिसेले कौन लेटर आसो एस टी यू भि आसो प्रथम भि आसो भि एथे रही रही एन आगे आसबन एन आगे आसबन मान या कटिगला या कटिगला तापर ए रे माइनस चार करवा ए रे माइनस चार कले कौन लेटर लेटर आसो डब्ल्यू आसो एथेर एम रही कटिगला डब्ल्यू एथे रही बास आउ चेक करने दरकार नहीं यहाँ हम राइट आंसर 22 नंबर सी हो राइट आंसर भि डब्ल्यू इ आई ठीक अच्छे। तो प्लस चार माइनस चार भी सी प्लस चार माइनस चार ओके। 23 नंबर कौन रही चूज द ओड वन तो ये चारोटी मध्य ओड कौनटा पचार ठीक अच्छे ओड कौटा हो देखु ये 17 डिविजिबल हो जा 17 कटिजी ठीक अच्छे। तो देखु 17 काटिदे ये कटिजी ना ना 17 के 17 तापर के 3 34 17 2 34 17 कटिगला ये 17 कटिब ना ना 17 के 17 के 10 102 17 6 102 17 16 गुणन कले 272 हो 17 6 102 17 के 17 2 7 2 272 ठीक अच्छे। तापर यहाँ कटिब ना ना 17 7 119 बोधे देखेद 17 7 7 49 हाथ रखा 4 7 7 11 ठीक अच्छे कितु 171 17 कटिब ना तो यहाँ ओड हम ए तीनोटी 17 में डिवाइड हो जाए कि 17 डिवाइड हेनी 23 नंबर डी हो राइट आंसर 171 ठीक अच्छे। तापर 24 नंबर कौन रही 27 31 47 83 क्वेश्चन मार्क रही तो ये के देखा ए लॉजिक रही देखु 37 31 होते बढ़ी 27 4 31 31 47 होते बढ़ी 7 1 गले 6 4 3 गले 16 बढ़ी 47 83 होते बढ़ी 13 7 गले 6 तापर 7 4 गले 3 अच्छा तापर के बढ़ो तो यहाँ कौन ना 2 स्क्वायर ये 4 स्क्वायर ये 6 स्क्वायर माने युग्म संख्या गुड़िक रही ठीक अच्छे 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर तापर के 8 स्क्वायर हम 8 स्क्वायर के 64 तो 83 64 मिसाइल के 4 3 7 6
814 147 ऑप्शन नंबर ए रही बस प्रथम दुई रोयर बढ़ी तापर चार रोयर तापर छः रोयर तापर आठ रोयर बढ़ीदे ठीक अच्छे दुई लक्ष बढ़ी बढ़ी चलती चौबीस नंबर ए हो राइट आंसर 147 तापर पचीस नंबर एरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी तो मॉक टेस्ट वन डिक्शनरी क्वेश्चन सॉल्व करी जो मैंने मॉक टेस्ट वन देखी थे से क्वेश्चन को चुटकी सॉल्व करदे तो एग्जाम आपने डिक्शनरी क्वेश्चन निहाती गोटे दुईट पाइबे देखते केमी सॉल्व करवा ना लेटर पर लेटर चेक करवा ठीक अच्छे तो देखो एथेरे बी रही एथेरे बी सब वर्ड प्रथम लेटर सामान रही ओ रही ए रही ओ एरे भी ओ रही एपर आर एबीसीडी लेटर आगे ओ आसो ना ए आसो ना आर आसो आगे ए आसो एबीसीडी लेटर आगे ए आसो ना तो ए कौन थे रही 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 ठीक अच्छे मैंने दुई नंबर आ चार नंबर रू कौटा गोटे प्रथम आसो देखा देखु बी ए दुईटा सामान रही एन रही एफ रही एबीसीडी लेटर आगे एन आसो ना एफ आसो आगे एफ आसो आगे एफ आसो माने एटा आगे आसो चार नंबर टा आगे आसो दुई नंबर आसो चार नंबर दुई नंबर चार नंबर दुई नंबर दुई चार आसो नहीं दुई चार नुह चार दुई ठीक अच्छे एथेरे भी चार दुई रही आउ चेक करा दरकार नहीं तीन तीन एवं देखिए पांच नंबर आगे आसो ना एक नंबर आसो आगे ठीक अच्छे पांच नंबर कड़े एटा आईटा भितर कौटा आगे आसो देखा बी बी सामान रही ओ रही एर रही एबीसीडी लेटर आगे ओ आसो ना आगे आर आसो कौटा आसो आगे आगे ओ आसो तो ओ ये रही मैंने एक नंबर आसो पांच नंबर आसो एक नंबर पांच नंबर एटा भी हेनी तो ऑप्शन नंबर बी हम राइट आंसर पचीस नंबर बी हम राइट आंसर ठीक अच्छे तापर जीवा नेक्स्ट छब्बीस नंबर कौन रही फाइंड द ओड वर्ड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तो ये चारोटि मध्यरु ओड कौनटा पचारिछि ओड कौनटा हे जीवो तो देखंतु पांच तीरी पंदर एटा कटि जाउछि पांच रे दुई रो षोल कटि जीवो छः छःटा गोटे चालीस किंतु चार बयालीस चार कटिबनि तो एटा ओड हे जीवो ठीक अच्छे छब्बीस नंबर ए जीवो राइट आंसर तापर सतैश नंबर कौन रही एक गुणन तीन गुणन पाँच दे उन्नीस पचीस सात गुणन नौ गुणन एगार दे फोर नाइन एट वन वन टू वन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ उन्नीस गुणन एक गुणन तेईस के ठीक अच्छे देखा कौन है कौन लॉजिक रही ठीक अच्छे तो एक जो वन रही वन से वन गुणन करन रही तीन से तीन गुणन करन तीन नौ रही पाँच से पाँच गुणन कर पाँच पचास पचीस देखो ये सात रत गुणन करत सतावन पचास नौ से नौ गुणन कर नुआ एकाशी एगार से एगार को गुणन करस बस आम कौन करवा ना उन्नीस उन्नीस को गुणन करदे तीन सौ एकसठ आसो आगे एथेरे रही एथेरे रही एथेरे ना एथेरे रही एक स्क्वेयर के आसो एक गुणन कले चार शौ एकचाश आसो चार शौ एकचाश ना तीन सौ एकसठ पर चार सौ एकचाश आसो एथेरे ना एथेरे अच्छी बस एटा हम ना एटा हम ठीक अच्छे तेईस स्क्वेयर के मैं तेईस पुणी से तेईस गुण नब पाँच अणतीस आसो ए रही टू एट नाइन हमने बस एटा राइट आंसर मैंने जो नंबरटा रही से नंबर से गुणन कर उन्नीस उन्नीस एक तेईस तेईस सतैश नंबर डी हो राइट आंसर तापर अठाईस नंबर कौन रही ना कार्ड रिलेशन जमी जुकर सहित रही सेम बुक रिलेशन कार सहित रही देखु कौन लॉजिक रही ना कार्ड रे गोटे एडिशनल रही था जुकर ठीक अच्छे तो आप जो तास खेली था एडिशनल गोटे कार्ड रही था जुकर बुक रेमती एडिशनल कौन रही था बुक एडिशनल रही था कभर ठीक अच्छे कभर हम तो आंसर हाँ कभर हम ठीक अच्छे एडिशनल वार्ड नुह वार्ड तो रहा कथा रही
राइटर भी रहइबो पेज भी रहइबो किंतु एडिशनल कोन रहिथे कवर ठीक अछि कार्ड रे एडिशनल रहिथे जुकर एमिति बुक रे एडिशनल दिन से माने एक्स्ट्रा दिन से रहिथे कवर 28 नंबर डी हे जो राइट आंसर ओके तापरे 9 9 18 54 216 तापरे क्वेश्चन मार्क एट केते बसिबो देखिबे एटि कोन हेछि 9 रु 9 हेछि 1 गुण नैछि 9 रु 18 हेछि 2 गुण नैछि 9 दुने 18 18 3 54 54 6 तापरे 5 गुण नब 1 2 3 4 5 गुण नब 56 30 रु 0 हाथ रखला 3 ठीक अछि 56 30 रु 0 हाथ रखला 3 5 के 5 3 8 आंदुने 10 1080 बाप रे ऑप्शन नंबर बी रे रही छी 29 नंबर बी हे जो राइट आंसर तापर जीवा नेक्स्ट 30 नंबर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव सिलेक्ट द वर्ड व्हिच कैन नॉट बी फॉर्मड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड तो एठे गोटे वर्ड दे छी रीअप्रोचमेंट तो से कोन कहि छी ना एही वर्ड रु ए चारोटी ऑप्शन मध्ये रु कोनटा फॉर्म हे परबो नाही कैन नॉट लिखि छी माने हेई परबो नाही प्रथम रे छी रेज आर ए जी ई आर कोड गला आर ए ई तो अछि किंतु जी जी टा एथरे नाही तो एटा फॉर्म हे परबो नाही अप्रोच रेंट चिप फॉर्म हे जीवो किंतु रेज टा फॉर्म हे परबो नाही काहेना एथरे जो जी टा रहि छि एथरे नाही ठीक अछि तो 30 नंबर ए जीवो राइट आंसर तो अबे रीजनिंग कंप्लीट हे गला ठीक अछि तो अबे जो 10 टी क्वेश्चन आसीबो मैथ रे आसीबो 10 टी क्वेश्चन ठीक अछि तो जो माने चैनल को सब्सक्राइब करना थी अभी टिके सब्सक्राइब करनी होती कहीं ना 1 लाख सब्सक्राइबर बहुत पाखे रही है ठीक अच्छे आ सहित तो वीडियो को लाइक शेयर मध्य कर दिं लाइक शेयर सब्सक्राइब पर उड़े दिं तो देखो 31 नंबर कौन रही 16% ऑफ 40% ऑफ नंबर ए इज इक्वल टू 8 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए अच्छा जमीती स्टेप बाय स्टेप से लिखी चलो 16% ऑफ 40% ऑफ नंबर ठीक अच्छे देखो 16% माने लिखिपरिबे 16/100 ऑफ माने गुणन तबरे रही 40% 40% माने 40/100 ऑफ माने गुणन ऑफ नंबर ए इज इक्वल टू कते 8 ए ए रो वैल्यू हमको मागी छे ठीक अछि तो एटे कोन करिबा ना कुडुने 40 कुडी 50 100 ठीक अछि तापरे 8 के 8 8 2 16 ओके तापरे आउ कटिबो कि आउ तो कटु नाही हां इटी काट कटि जीवो ना 2 2 2 ने होची 4 4 रो काटि देले एटा कते कि 25 तो 25 50 125 होबो ए 25 गुणन 5 टा एपटे जाय कि 1 सहित गुणन नै जीवो माने ए इक्वल टू 1 गुणन 5 गुणन 25 हे जीवो एपटे 25 गुणन 5 रे डिवाइड हे गो 4 पुट गले 1 सहित गुणन नै जीवो बस ए रो वैल्यू होची 25 50 125 ऑप्शन नंबर ए रे रहिछ 31 नंबर ए जो राइट आंसर ठीक अछि तापरे 32 नंबर द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 57 व्हाट इज द मिडिल वन अच्छा से कोन कहिछि ना द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तीनोटे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर सम देछि 57 मिडिल वन मागिछि ठीक अछि ओड कथा कहि ना ओड कथा कहि ताले इवन नहीं जीवा गोटे एक्स नहीं जीवा तापरे एक्स प्लस 2 नहीं जीवा गोटे एक्स प्लस 4 नहीं जीवा ठीक अच्छे तो ए समस्त सम दे 57 माने एक्स प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 57 दे ना 1 2 3 तीन टा एक्स प्लस 4 2 6 इक्वल टू 57 थ्री एक्स इक्वाल टू 57 ये छटा एपटे प्लस एक चार पट गले माइनस हो सतर छ गले एक ये पाँच एकावन थ्री एक्स रैल्यू पाइले कैसे एकावन एक्स रैल्यू केन लटेदे 17 आम को मागे मिडिल वन मान मझीटा मझीटा कौटा मझीटा हूँ एक्स प्लस 2 तो एक्स रैल्यू पाइचे 17 से दुई मिसाई दवा 17 2 19 हम बास 32 नंबर बी हे जो राइट आंसर 19 जदि मागी था हार्ड नंबर ताले एक्स प्लस 4 करी था माने 17 प्लस 4 करी था जदि फास्ट नंबर मागी था ताले खाली एक्स 17 होता आंसर
ओके तो ये ओड कथा कही इन नहीं गली मैंने गोटे एक्स नी आ गए इन नंबर मैंने टू एड कली एक्स रे आ गए फोर एड कली ठीक अच्छे जोटा कही थो तार उल्टा नहीं जी ओड कहले इन ये एड करेंगे आठ इन कही थी ओड नहीं था ठीक अच्छे तापर जी नेक्स्ट तेतीस नंबर कौन रही फाइंड द टाइम टेकन बाय ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग रनिंग विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिकल पोल अच्छा फाइंड द टाइम टेकन अच्छा टाइम आमको मागिच बाय ए ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग डिस्टेंस कते देछि 180 मीटर रनिंग विथ ए स्पीड जाउछि 72 किलोमीटर पर आवर स्पीड कते देछि 72 किलोमीटर पर आवर टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिकल पोल अच्छा टाइम मागिच आम कौन मागिची ना टाइम तो टाइम मागिची टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ठीक अच्छे फॉर्मूला इटा तो ये सेकेंड रे मागिची ना अच्छा ठीक अच्छे बाहर करदे डिस्टेंस दे 180 बाय स्पीड दे 72 किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड कले 5/18 गोटे गुण नहीं जी ठीक अच्छे तो ये कौन हम ना ये 18 तले डिवाइड हो गई ऊपर को गले गुण नहीं जो माने 180 गुणन 18 बाय 72 गुणन 5 हो तब काटि पका तो फटाफट 18 चौच 72 ठीक अच्छे ये 5 रो काटि देले 5 3 15 3 30 5 30 4 9 36 9 सेकंड बाहर बस ऑप्शन नंबर बी रे रही तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड ये फॉर्मूला पकाई देले आंसर पाई गले एटे किलोमीटर पर आवर देजी मीटर पर सेकंड रे आंसर मागी से 5/18 गुटा गुणन कली बस एतिक ही कथा 33 नंबर सी हिजबो राइट आंसर 9 सेकंड तापर 34 नंबर ए नंबर व्हेन 40 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम इट रिड्यूसेस टू इट्स 80% व्हाट इज 40% ऑफ दैट नंबर क्वेश्चन रे कोन कोई छि ना गुटे नंबर टा जते बेले सहीथर 40 माइनस कर जाऊँगी सहीटा 80% को कमी जाऊँगी मागिचे हमको सही नंबर 40% कते हैं ठीक अच्छे मन कर नंबर टा 100% नंबर टा 100% ठीक अच्छे ए नंबर व्हेन 40 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इट माने 100% रु 40 माइनस कले रिड्यूसेस टू इट 80% एटा 80% हो जाऊँगी तो ये 100% वैल्यू बाहर करवा देखो ये 100% ये 80% तो 80% को एपट को नहीं जीवा 100% माइनस 80% माइनस 40 टा आरपुट गले प्लस 40 हो जीवो 100 रु 80 गले 20% रे वैल्यू कते एटा 40 100% मु नहींथली 100% वैल्यू बाहर कर देबा 20 2 ने 40 100 टा 200 तो गुण नहीं जीवो 200 तो नंबर टा बे पाई गले 200 एबे मागी छ हमकु सही नंबर 40% कते तो पुणी 200 रो 40% बाहर करिया पे पड़ी ठीक अच्छे ये गुटेशन कटला ये गुटेशन कटला 20 80 बस देखो 80 ऑप्शन नंबर सी रे अच्छे 34 नंबर ये जो राइट आंसर 80 तापरे ए शॉपकीपर बाइज एन वॉच फॉर 450 एंड सेल इट फॉर 504 फाइंड इट्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जड़े दुकानी कौन करुँ गोटे घंटा आणुच 450 टकर बिक्री कर दूसरी 504 टकर तार के परसेंट प्रॉफिट हो मांगी बाय मैंने किणवा मैंने कॉस्ट प्राइस देखो के 450 सेल्स मैंने एसपी सेलिंग प्राइस दे 504 ठीक अच्छे तो किणी 450 बिक्री करुच 504 के लाभ हो तार 4 10 रु 5 गले 5 54 टाँह लाभ हो बाय प्रॉफिट हो कि लॉस हो सब सीपी पर कैलकुलेशन करा जाए किणा दाम 450% मागिच 100 गुटे गुणन करदे ठीक अच्छे ओके तो ये देखु ये गुटे सुन कटला ओके 9 6 54 9 5 45 पांदुने 10 छदुने 12% बस ऑप्शन नंबर बी रे रही 35 नंबर बी है जो राइट आंसर 12 ठीक अच्छे तापर जीवा नेक्स्ट
छत्तीस नंबर कौन रही बाय सेलिंग ए कार फॉर 64,000 एमएन लॉसेस 20% फाइंड द सीपी। तो जो मनीष कौन करुच्ची कार को बिक्री कर दूसरी 64,000 टंकार तार लॉस हो जाए 20% सीपी मागिच। अच्छा हो ठीक अच्छे तो बिक्री करुच्ची कत 64,000 सेलिंग प्राइस दे 64,000 64,000 कार बिक्री कर दूसरी मत देदे मुझे नहीं नेबी 64,000 एम एन लॉस कर 20% अच्छा लॉस परसेंट दे 20% ठीक अच्छे सीपी मागिची सीपी पाई फर्मूला कौन सीपी मागिले तले कैलकुलेशन हुए माने 100 by 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस इनटू सेलिंग प्राइस ए फर्मूला रे अबे वैल्यू पुट करंतु आंसर आसी जीव चुटकी रे 100 by 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस एटी लॉस है 20% माने 100 रे 20 माइनस करिया पे पड़िबो जदी प्रॉफिट हेथांता ताले 100 रे 20 मिसेई थांते ओटी लॉस है छि सते पई 100 रे 20 को माइनस करिबा केते 80 गुणन एसपी सेलिंग प्राइस 64,000 गुटे शून को गुटे शून कटिगला 8 * 64 एठे दुटा शून रही तो 8 पर टोटल 4टा शून हो 8 पर 4टा शून बस 36 नंबर बी हो जो राइट आंसर। तो सीपी पाई एटा हो फॉर्मूला ठीक अच्छे 100 by 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस इनटू एसपी जदि एसपी मागी था सेलिंग प्राइस ताले एसपी मागिले ऊपर कैलकुलेशन हुए माने 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस बाय 100 इनटू सीपी तो ये दुटा फॉर्मूला लिखि नियंतु एग्जाम रे किछि बेसी पाए ठीक अच्छे तापर जीवा नेक्स्ट 35 नंबर कौन रही फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3125 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 73 डे सिंपल इंटरेस्ट हमको मागिछि सिंपल इंटरेस्ट हमको मागिछि ठीक अच्छे सिंपल इंटरेस्ट मागिछि 3125 प्रिंसिपल देछि 3125 रेट परसेंट देछि 15% रेट परसेंट देछि कते ना 15% आ टाइम पीरियड देछि 73 दिन अच्छा दिन रे दे दे छी हो ठीक अछि। तो सिंपल इंटरेस्ट मांगी छी ना सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू फार्मूला होची पीटीआर बाय 100 प्रिंसिपल इनटू टाइम पीरियड इनटू रेट परसेंट बाय 100 तो एटी प्रिंसिपल कते दे छी 3125 टाइम पीरियड कते दे छी 73 दिन अच्छा 73 दिन को जदी हम वर्ष को कन्वर्ट करबा तले 73 by 365 हे जो गुटे वर्ष होची 365 दिन दिन दे वर्ष को दिन को कन्वर्ट करदे तो ये 73 by 365 इंटू हूँ रेट परसेंट के 15 ये 100 जो तले गुण नहीं थी ला, तो यहाँ 365 रेट गुण नहीं बस ये काटि दिंतु आंसर आसीज 73 * 5 हूँ 365 ओके 5 * 3 हूँ 15 यहाँ पॉइंट आसो तो 3125 रे 3 गुणन कर दिंतु 5 * 3 = 15 हाथ रखला 1 3 दुने 6 * 7 3 * 3 * 9 एतिकी बाय 100 माने राइट साइड को दुटा छाड़ी पॉइंट 93.75 ऑप्शन नंबर बी रे अछि 33 नंबर बी हे जो राइट आंसर ठीक अछि। तो एटी जो दिन रे देथिला मु एको वर्ष को कन्वर्ट कर देली 73 दिन ए वर्ष को कन्वर्ट करले केते हिजो 73 * 365 हिजो ठीक अच्छे। तो गोटे वर्ष 365 दिन हुए ना से 365 डिवाइड करदेली 38 नंबर कौन रही इफ 20 मेन टेक 15 डेज टू कम्प्लीट ए जब इन हाउ मेनी डेज 25 मेन कैन कम्प्लीट द जब। अच्छा क्वेश्चन रे कौन कहले ना 20 जन मनीष गोटे काम करुँच गोटे जब कर 15 दिन में तो 25 जन मेन काम को जब कत दिन में कम्प्लीट करेंगे ठीक अच्छे। तो यह गोटे फर्मूला रही ठीक अच्छे ये देखिए कौन 20 मेन मेन को मनोज N1 20 दे 15 डेज मान D1 के दे 1 15 डेज ना तापर 25 मेन मान N2 दे कते 25 हमको मागिच हाउ मेनि डेज मान D2 मागिच तो फर्मूला हूँ N1 * D1 इक्वल टू N2 * D2 ठीक अच्छे। तो ये वैल्यू पुट कर दिंतु N1 कर दे 20 गुणन D1 हूँ 15
इक्वल टू एन टू हो 25 डी टू मागिचे ताको समिति रखिबा ठीक अछि 5 50 25 5 3 15 5 6 20 4 3 12 डी टू केते पाइले 12 ऑप्शन नंबर 3 रहिछ तो डायरेक्ट कोन करिबे ना एपोटे थिबो जते कि 20 रे 15 गुणन करे देबे इक्वल टू 25 गुणन एक्स नै जे तो डायरेक्ट आंसर बाहर ही पड़ी ठीक अछि 38 नंबर सी हे जबो राइट आंसर तापर जीवा नेक्स्ट 39 नंबर कोन रहिछ कन्वर्ट 45 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड 45 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड रे कन्वर्ट करिया पई कहिछ देखंतु जते बेले किलोमीटर पर आवर देइथिबो मीटर पर सेकंड रे मागीथिबो सेते बेले 5/18 गुणन करिया पई पड़िथाय आ जते बेले मीटर पर सेकंड रे देइथिबो किलोमीटर पर आवर रे मागीथिबो सेते बेले 18/5 गुणन करिया पई पड़िथाय माने एटा उल्टी के खाली गुणन हेइथिबो ठीक अछि तो ये 45 किलोमीटर पर आवर ताकु मीटर पर सेकंड करवा मीटर पर सेकंड कले 5/18 गुणन हम 5/18 ठीक अच्छे 9 × 2 = 18 9 × 5 = 45 5 × 5 = 25/2 हूँ 12.5 बस 39 नंबर बी है जो राइट आंसर 12.5 तो ये लिखि नि किलोमीटर पर आवर देते मीटर पर सेकेंड मागि 5/18 गुणन करेंगे आ मीटर पर सेकेंड देते किलोमीटर पर आवर मागि ये 5/18 को उल्टे की गुणन करते मैंने 18/5 ठीक अच्छे 40 नंबर द एवरेज एज ऑफ 5 चिल्ड्रेन इज 8 इयर्स इफ द एज ऑफ द फादर इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज्ड बाय 7 इयर्स द एज ऑफ द फादर इज क्वेश्चन दे छि कोन एवरेज रो क्वेश्चन रोइ छि 5 जण चिल्ड्रेन को रो एवरेज वयस दे छि 8 वर्ष यदि पितांकर वयस को शामिल करा जाए ताले एवरेज 7 वर्ष बढ़ी जाउछि फादरंकर बा पितांकर वयस मानिछि वंडरफुल क्वेश्चन देखंतु 5 जण चिल्ड्रेन को एवरेज वयस दे छि 8 वर्ष ठीक अछि 5 जण चिल्ड्रेन को एवरेज वयस दे छि 8 वर्ष तो 5 जण चिल्ड्रेन को टोटल केते हे जइबो 5 जण चिल्ड्रेन को टोटल वयस केते हे जइबो 5 गुणन 8 केते हे जइबो 8 5 40 8 5 40 वर्ष एबे कोन कहि छि इफ द एज ऑफ द फादर इज इंक्लूडेड माने 5 जण पिला थिले सेतरे फादर मिसि गले तो 5 के 6 जण बे हि गले एबे कोन होची ना वयसटा 7 वर्ष बढ़ी जाउची पिला 8 वर्ष 7 वर्ष बढ़ी गला माने 8 7 8 7 15 हि गला ठीक अछि 8 7 नै 8 7 15 हि गला तो एबे टोटल 6 जण कर टोटल वयस कते हि जइबो 6 जण कर टोटल वयस 6 गुणन 15 हि जइबो 15 6 कते 90 एबे मागी फादरंकर वयस कते तो 90 रु 40 माइनस कर देले हि जइबो 50 बस ऑप्शन नंबर सी रे रहिछ 40 नंबर सी जो 50 तो मु कोन कोली देखंतु ना 5 जण चिल्ड्रन कर एवरेज वयस दे 8 वर्ष तो 5 जण चिल्ड्रन कर टोटल केते हि जइबो 5 गुणन 8 बेटी कर देछि 5 गुणन 8 40 वर्ष तापर कहला जदी पितांकर वयस को शामिल कर जाय माने 5 जण थिले आ जणे मिसि गला 6 जणे बे हि गले तो एवरेज रे 7 वर्ष बढ़ी जाउछि थिला 8 वर्ष 7 वर्ष बढ़ी जइबो माने सेतरे 7 मिसि जइबो 8 7 15 हि गला तबे 6 जणकर टोटल वयस कते हिजो 6 गुणन 15 इक्वल टू 90 तो ए 90 रु 40 माइनस कर देले 50 होची पितांकर वयस ओके तापर लास्ट क्वेश्चन द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज तो ब्राइटेस्ट प्लैनेट कोनटा पचारी छि ए क्वेश्चन टी आपन मानको होमवर्क दउछि ए क्वेश्चन रे आंसर टी आपन मानको कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिया पय पड़िबो तो ए 40 टी क्वेश्चन रु आपन मानकर केतुर ठीक हेछि आपन मान नियति भाबे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करी जणैबे ठीक अछि तो ओएमसी एग्जाम पई आउ वीडियो आसीबो नै तो जहां भी वीडियो अपलोड होई छि आपण माने सब वीडियो एग्जाम पूर्वरु कंप्लीट देखि कि जिवे प्लेलिस्ट थरे विजिट करिवे प्लेलिस्ट रे आपण मानकु ओएमसी क्लासेस गोटे प्लेलिस्ट मिलि जिवो सेथिरे जहां भी वीडियो रही छि आपण माने सब वीडियो एग्जाम पूर्वरु निहाती भाबे देखि कि जानतु सेथिरु डायरेक्ट क्वेश्चन आपण मानकु एग्जाम रे देखिया पे मिलि जिवो ठीक अछि तो जो माने भी हमरो पेड स्टडी मटेरियल परचेज करिनांती एबे परचेज करनियंतु ठीक अछि तो सही थ्रू मध्य आपण मानकु क्वेश्चन देखिया पे मिलि जिवो तो आज मोर ये भिडियो आपण मैं बहुत हेल्पफुल भिडियो भल लगी गोटे लाइक करेंगे सांग मैं सेयार करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने भूलें नहीं।